नमस्कार, मेरा नाम पुरुषोत्तम है और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आज की कहानी, जिसमें हम आपको बताते हैं उस दिन से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज 13 अक्टूबर है और आज की तारीख का संबंध है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी से। आज ही के दिन वे 1999 में तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद के तौर पर शपथ ग्रहण किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने पुरानी सरकार सदन में विश्वास मत न साबित कर पाने की वजह से गिर गई थी। इसके बाद अक्टूबर 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए। इस बार कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथों में थी, हालांकि उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अमेठी सीट से चुनाव लड़ी और पहली बार सांसद बनी। 13वीं लोकसभा में वह विपक्ष की नेता थी। कारगिल युद्ध के कुछ महीने बाद ही चुनाव हो गया। कारगिल युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। 1998 में एनडीए गठबंधन से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन 13 महीने में ही सरकार गिर जाती है। दरअसल एआईडीएमके प्रमुख जयललिता लगातार सरकार से कुछ मांग कर रहे थी। उस वक्त तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी और एम करुणानिधि मुख्यमंत्री थे। जयललिता तमिलनाडु सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रही थी। जयललिता ने ऐसा न करने पर एनडीए से समर्थन वापस ले लिया और बीजेपी को सदन में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। दिन 17 अप्रैल सन 1999 लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई, लेकिन इससे पहले बीएसपी का ही नेता मायावती ने वोटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया। फिर थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और एनडीए के विरोध में वोट कर दिया। अब सदन की निगाहें कोरापुट से सांसद गिरधर गुमांग पर थी। दरअसल 2 महीने पहले ही गुमांग ओडिशा के मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे में 6 महीने के भीतर उन्हें ओडिशा में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुना जाना था, लेकिन अभी उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया था। गुमांग ने बीजेपी सरकार के विश्वास प्रस्ताव के विरोध में वोट कर दिया। बीजेपी सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़े और विरोध में 270 वोट पड़े थे। इसीलिए गिरधर गुमांग की भूमिका आज भी चर्चा का विषय है। सदन में विश्वास मत न साबित कर पाने की वजह से कुछ महीने बाद ही तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने संसद भंग करने की बात कह दी और वाजपेयी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। कश्मीर मामले को लेकर पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध को कुछ ही महीने बीते थे कि चुनाव आ गए। ऐसे में युद्ध में भारत की सफलता का लाभ अटल बिहारी वाजपेयी को मिला। दरअसल 3 मई 1999 को पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत की। पाकिस्तान ने 5,000 सैनिकों के साथ कारगिल की चोटी पर घुसपैठ करके कब्जा कर लिया। इसकी जानकारी सरकार को मिलने के बाद तुरंत सेना ने उन्हें खदेड़ने का अभियान चलाया। पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमले किए गए। कहा जाता है कि विश्व युद्ध के बाद कारगिल का युद्ध ही ऐसा था जिसमें दुश्मन देश पर इतनी ज्यादा गोलीबारी की गई। 2 महीने से ज्यादा यह युद्ध चला और 4 जुलाई को भारतीय सेना ने कारगिल को वापस ले लिया। चुनाव के समय एनडीए गठबंधन में 20 पार्टियां थी, लेकिन कई और पार्टियां भी इसके समर्थन में आने को तैयार थी। लंबे समय से केंद्र सरकार में अहम भूमिका में रहने वाली कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। उनका गठबंधन उस समय एनडीए से कमजोर था। सोनिया गांधी कांग्रेस में नई नई शामिल हुई थी, इसीलिए चुनाव में उनको निशाने पर लिया गया। महाराष्ट्र में आईएनसी के नेता
शरद पवार ने सोनिया के विदेशी होने पर का मुद्दा उठाया। चुनाव प्रचार ने एक नया मोड़ ले लिया और यह चुनाव विदेशी गांधी बनाम स्वदेशी वाजपेयी बन गया। कारगिल युद्ध में भारत की सफलता का श्रेय वाजपेयी के नाम था। इसके अलावा बीजेपी ने आर्थिक उदारवाद, आर्थिक सुधार और औद्योगिक विकास को भी बखूबी भुनाया। कांग्रेस ने हाथों में रहने वाले असम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी की बढ़त ने अन्य पार्टियों को विश्वास भी एनडीए में बढ़ा दिया। परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहा और एनडीए गठबंधन को 269 सीटें मिली। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी जो 29 सीटों के साथ भी एनडीए को समर्थन दिया, जो गठबंधन का हिस्सा नहीं था। कांग्रेस का प्रदर्शन बुरा रहा और इसे केवल 114 सीटें हासिल हुई। हालांकि इससे उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें वापस जरूर मिल गई। 1998 में तो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। इस चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी भी खत्म होने के कगार पर आ गई। सीपीआई को मात्र 4 सीटें मिली और वह राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही। पहली बार ऐसा हुआ था कि बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन बहुमत के साथ सरकार बना रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और उन्होंने 2004 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। आज की कहानी में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।